बीच बड़ी खबर का सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। माफ करिएगा, इसी बीच बड़ी जानकारी शिवपाल की सियासी विचारधारा में यूट्यूब। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोहिया और अंबेडकर ने भी यही मांग की थी। साथ ही आपको बता दें कि कॉमन सिविल कोड के लिए अब शिवपाल यादव लड़ेंगे, कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए, शिवपाल यादव का यही कुछ कहना है। शिवपाल की सियासी विचारधारा में यूटर्न देखने को मिला है। बड़ी और अहम जानकारी, शिवपाल की सियासी विचारधारा में यूटर्न देखने को मिला है। शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता की मांग की है। उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज कर रहे हैं। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम समय लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि कार्य समिति भंग हो चुकी है, तो जब कार्य समिति बनेगी तो इस पे जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जहां तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, तो संविधान सभा में इसको बाकायदे बहस के रूप में अंगीकृत किया गया था और राज्य को निर्देश दिया गया था कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। आप अनुच्छेद 44 पढ़ सकते हैं। डॉक्टर लोहिया ने 1967 के चुनाव में समान नागरिक संहिता को मुद्दा बनाया था और समान नागरिक संहिता एक ऐसी होनी चाहिए जो समावेशी हो, जिसमें सभी संप्रदायों, सभी धर्मों और सभी के मूल्यों का। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी सर जुड़ चुके हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, शिवपाल यादव की सियासी विचारधारा में यूटर्न देखने को मिला है, कॉमन सिविल कोड को लेकर उनके बयान सामने आए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वाकई एक बड़ा बदलाव कहा जाएगा, एक बड़ा निर्णय कहा जाएगा। जिसमें मुझे याद है शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, बाद में जब उन्होंने पीएसपीएल बनाई थी वैसे के साथ गठबंधन किया था, उनका साथ के साथ गठबंधन करने की बात थी, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी जी। समाजवादी पार्टी के सिंबल के चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, और मुझे लगता है कि शिवपाल यादव ने तय कर लिया है कि उनकी राय अब समाजवादी पार्टी से अलग होगी, उनकी विचारधारा से अलग होगी। और पूरी तरीके से उन्होंने एक बड़ी लाइन खींची है, कॉमन सिविल कोड, मैं समझता हूँ कि उसी को लेके उसी क्रम में किया गया एक काम है, एक घोषणा है शिवपाल यादव की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से। और जिस तरीके से इसमें आंदोलन चलाने की बात कह रहे हैं शिवपाल यादव पूरे प्रदेश और देश में, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि शिवपाल यादव की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ टर्न हो रही है, घूम रही है, और मुझे लगता है कि शिवपाल यादव को अपने इंतजार होगा कि कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोन आए और उनको ये कहा जाए कि नहीं, अब आप पार्टी में शामिल हो जाइए या गठबंधन कर लीजिए, क्योंकि पीएसपीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को कर दिया गया है, यानी अब इस समय पीएसपीएल का कोई पदाधिकारी देश में या प्रदेश में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है, और लगातार जो सूत्र कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जो 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 वक्त था जिस समय शिवपाल यादव को ये सारा कुछ करना चाहिए था, उस समय बात उनकी बनी नहीं। निश्चित रूप से बात हो चुकी थी कई लेवल पे, बात जी सर, शिवपाल यादव जो चाहते थे वो निकल के बाहर नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि शिवपाल यादव चुनाव तो लड़े, लेकिन उनके साथ चुनाव लड़के न लड़के किसी और के साथ चुनाव लड़े, वो बात शिवपाल यादव के समझ में नहीं आई, क्योंकि उससे उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ रही थी। बाद में एक बार फिर दोबारा बातचीत हुई तो बात जो है सिरे तक नहीं पहुंची, क्योंकि शिवपाल यादव सिर्फ अमित शाह पे भरोसा कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि सुनील बंसल और अमित शाह से जब उनकी बात होती है तो शायद उसको रिजल्ट मिलेगा, शायद उनकी जो बातचीत होगी वो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी, लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाई थी और वो बातचीत बीच में ही टूट गई थी। अब एक बार फिर से नई कोशिश हो रही, क्योंकि चुनाव बीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, अब उनको शिवपाल यादव की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़े नेताओं को ज्वाइन कराएगी, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, शिवपाल यादव जो
इटावा और आसपास का जो बड़ा क्षेत्र है वहाँ पे बहुत प्रभावी है, उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, उनके पास बड़ी टीम है और उसका वो फायदा उठा सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि 2024 में शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी साथ दिखाई देंगे। जी बिल्कुल सर, जी आने वाले टाइम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।